हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर। तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रू। अज अपनी रीडिंग दी क्लास है जिस दे विच मैं तुहानू दसन जा रही हाँ कि अपने आंसर शॉर्ट क्वेश्चन किदां फाइंड आउट करने हुंदे हैं रीडिंग दे विच, जिस दे विच तुहानू क्वेश्चन पूछ लिया जांदा है ते तुहानू आंसर करना हुंदा। ठीक है, वन वर्ड, टू वर्ड और थ्री वर्ड हुंदा। ठीक है, सो फर्स्ट आपां रीड करदे हां स्ट्रैटेजी की दसी हुई है। फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर आंसरिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन योर आइल्स रीडिंग टेस्ट। ठीक है, कहिंदे किहड़ियां किहड़ियां आपां स्ट्रैटेजी नूं फॉलो करना हुंदा है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी की है, रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। मैं तुहानूं हमेशा यही गल कहनी आई हाँ, चाहे लिसनिंग है चाहे रीडिंग है, तां आपां ने की है इंस्ट्रक्शंस नूं बहुत ध्यान नाल पढ़ना है। टेकिंग पर्टिकुलर नोट ऑफ द वर्ड लिमिट फॉर योर आंसर, मतलब कि तुसीं वर्ड लिमिट ते बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जे वर्ड लिमिट क्या है, वन वर्ड तां वन वर्ड, टू वर्ड क्या तां टू वर्ड, थ्री वर्ड्स क्या तां थ्री वर्ड्स। अगर तुसी लिमिट दे हिसाब नाल नहीं चलदे, तुसी अपने अकॉर्डिंग आंसर लगाता भावें सही होवे बट एक वर्ड तुसी ज़्यादा ऐड करता तां की हो जूगा, थोड़ा आंसर रोंग हो जूगा। सो रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। सेकंड है, रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन जरूरी रीड करने हैं तुसी पहला, आफ्टर दैट तुसी पैसेज है जिहड़ा पढ़ना है। फर्स्टली तुसी की करना है, क्वेश्चन रीड करने हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बट इज़ बीइंग आस्क्ड, की पूछा गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज़ बीइंग आस्क्ड, पहला क्वेश्चन नु पढ़ो, उन्हों अंडरस्टैंड करो, उसका मीनिंग फाइंड आउट करो। ठीक है जी। थर्ड है, अंडरलाइन द की वर्ड्स। अपने क्वेश्चन दे विच मेन मेन वर्ड्स ने जिहड़े, उन्हां नु की कर लेना, अंडरलाइन कर लेना जिथे तुहानू लगदा कि हाँ ये वर्ड है जिहड़ा क्वेश्चन दे विच इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, की वर्ड्स हुंदे आ जिहड़े। ऑल्सो थिंक अबाउट पॉसीबल सिनानम्स फॉर दैम। ठीक है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स ने जिहड़े, उन्हां नू भी आपां की कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, डोंट वरी इफ देयर आर अनफेमिलियर वर्ड्स। ये मैं तुहानू पहलां भी दस चुकी हैं, जे कोई डिफिकल्ट वर्ड्स होंदे आ, अनफेमिलियर वर्ड्स होंदे आ, तां घबराउणा नहीं हुंदा कि इहनां दा मीनिंग नहीं पता। जे मीनिंग नहीं भी पता हुंदा सो उहदे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी, सिर्फ तुसीं मैच करना, लोकेशन देखनी हुंदी है। ठीक है जी। If they also appear in the text, you may be able to work them out in context. Alternatively, synonyms that you do understand may have been used. ठीक है, कई बार सेम वर्ड्स ही होंगे ने। ठीक है, सिंपल वर्ड ही दिते होंगे मोस्टली, जेडे डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उन्होंने रीडिंग दे नाल कोई लेना देना नहीं हुंदा, सो तुसी इनू देख के घबराना नहीं हुंदा। ठीक है जी। फोर्थ है, स्किम रीड द टेक्स्ट, बी अलर्ट फॉर कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स यू आइडेंटिफाइड बट डोंट रीड इन डिटेल। स्किम एंड स्कैन करना है कि फटाफट रीडिंग करते जाना अपने, सिर्फ जेडे कीवर्ड्स तुसी अपने दिमाग च रखने हैं ते सेम वर्ड सिनोनिम अपने दिमाग च रखने हैं ते स्किम करते जाना, यही भी डिटेल च पढ़न लग जाओ। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ इन अ लिटल मोर डिटेल दैन द रेस्ट ऑफ द टैक्सट एज दिस विल इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। कहते फर्स्ट सेंटेंस में ही ज़्यादा ध्यान न पढ़ो, उतों ही थोनों की है आइडिया मिल जाता है कि हाँ किस बारे गल हो रही है। फिफ्थ है, गो बैक एंड री रीड क्वेश्चन। फिर की करो, अपना जोड़ा क्वेश्चन आनू दोबारा पढ़ो, दैन स्कैन द फस्ट पैराग्राफ। ठीक है, फिर अपने पैराग्राफ नू फस्ट नू स्कैन करो, देखो मे बी द सैकेंड एज वैल अंटिल यू फाइंड द लोकेशन ऑफ द आंसर। इस तरह ही करते रहो जो तक थोनू लोकेशन नहीं मिलती, स्किम करते रहो। दैन रीड इन डिटेल टू फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड और वर्ड्स यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन। जो थोनू लोकेशन मिल जाती है फिर तुम उसनों की है चेंज करना शुरू कर दो। ठीक है। सिक्स, रिपीट दिस प्रोसैस फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन, हरेक क्वेश्चन लई इस तरह करो। ठीक है जी। नैक्सट, होर हुण तुसी किस चीज़ से ध्यान देना हुंदा, पे अटेंशन टू क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, जिवें हु, वट, वैन, वेयर, वाई, विच एंड हाउ। हु परसन और ग्रुप की गल हो रही होगी भी किसी की। ठीक है, वट किसी थिंग दे लई, वैन कदों टाइम, वेयर प्लेस दा थोनू आंसर करना हो सकता है, वाई रीजन दसना हो सकता आंसर दे विच, विच भी थिंग दे लई यूज़ हो सकता है, हाउ वे ऑफ डूइंग समथिंग मतलब कि किवें। ठीक है जी। सो इस तरह इन्हां वर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, भी कितने की क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर दे विच की आ रहा, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, ग्रामर का ध्यान रखना। ठीक है जी। हुण देखो, ये अपने कोल पैसेज, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या है, क्वेश्चंस 1-4 आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग नो मोर देन 3 वर्ड्स और आ नंबर फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। हुण इसनों दिमाग च रख लो भी 3 वर्ड्स तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आ नंबर, ठीक है जी। हुण फर्स्ट क्वेश्चन जे रीड करिए, फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, हु आर अगेंस्ट द प्रपोज चेंजेस टू स्टूडेंट ट्यूशन फीस। कहिंदे कौन, हु मतलब के कौन हो गया, ठीक है। हुण इत्थे परसन या ग्रुप दी गल होनी है, पहला मैं तुहानू उपर दस के गई हां ना हु किहदे लई यूज़ होगा, किसी परसन या फिर ग्रुप दे लई। दिमाग च आ गया आइडिया, कौन कहिंदे अगेंस्ट ने चेंजेस टू स्टूडेंट ट्यूशन फीस, भी जिहड़ी चेंजेस होई ने ट्यूशन फीस च, ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन भी दिमाग च रखो, जे थोड़े तो पॉसिबल है तो घट्टो घट्ट 2 या 3 क्वेश्चन अपने माइंड रखो, ठीक है, क्योंकि जो एक एक करोगे तो टाइम बहुत लगेगा। सैकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फ्रॉम द नैशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स, इन्हों के अकॉर्डिंग, ठीक है, नैशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स, हु विल सफर फाइनैशियली, कौन सफर करेगा फाइनैशियली, ठीक है। हुण इत्थे की आ गया विल, हु भी इत्थे की आ गया परसन या फिर ग्रुप की गल होगी। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स वट वुड बी द नैगेटिव कॉन्सीक्वेंस ऑफ हायर ट्यूशन फीस। कहते की नैगेटिव कॉन्सीक्वेंस है भी जे ट्यूशन फीस है चेंज कर देंगे, ठीक है। फोर्थ है, इन द फ्यूचर, फ्यूचर की गल हो रही है, वट मे बिकम द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर स्टूडेंट्स चूजिंग अ यूनिवर्सिटी। कहते कि फैक्टर वह होगा जे जदों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी वह कर देंगे, ठीक है, चूज कर देंगे। हुण आ जाओ फस्ट क्वेश्चन ध्यान से रखना, अपना फस्ट क्वेश्चन सीगा कि कौन अगेंस्ट सीगे स्टूडेंट फीस जदों ट्यूशन फीस चेंजिस दे, ठीक है। हुण अपना पैराग्राफ फस्ट रीड करते हैं, पहला अपने स्किम करना है अपने कीवर्ड्स की ने, अपने कीवर्ड्स है फीस चेंजिस, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट ट्यूशन फीस, ठीक है। हुण देखो, प्लैन्स टू अलाउ यूनिवर्सिटीज टू चेंज अनलिमिटेड ट्यूशन फीस वर टूडे ग्रीटेड विद डिसमे फ्रॉम। आ गई गल अपनी अनलिमिटेड ट्यूशन फीस की गल होगी, यूनिवर्सिटीज़ की गल होगी, ठीक है, विद डिसमे फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड लैक्चरर्स, ठीक है। हुण अपना देखो फर्स्ट लाइन ही मैं की कहा सी, ध्यान नाल पढ़नी है, प्लैन्स टू अलाउ यूनिवर्सिटी टू चेंज अनलिमिटेड ट्यूशन फीस। इत्थे अपन पता लग गया भी अपने क्वेश्चन दी लोकेशन मिलनी शुरू होगी, ट्यूशन फीस दी गल स्टार्ट होगी, ठीक है जी। बट की कहिंदे डिसमे फ्रॉम, डिसमे मतलब की सीगा, एग्री नहीं सीगे, कौन नहीं सी एग्री, फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड लैक्चरर्स, डिसमे हुंदा बेचैनी, ठीक है, मतलब कि वह की सी एग्री नहीं सी। हुण देखो जे थोनों इसका मीनिंग नहीं पता, थोनों पता है डिस लग्या तो की है, कोई चीज़ एग्री नहीं हो रही, वो कोई बंदा उसके अगेंस्ट है, ठीक है, तो ही डिस लगता, ठीक ठीक है जी। जिमें एग्री हों डिसएग्री हों, सो ये की है, कौन ने ग्रुप या फिर इतने परसन का नेम आना है, थोनों मैं पहला ही हू तो क्लीयर कर चुकी हूँ। सो अपना आंसर की आजूगा, स्टूडेंट्स एंड लैक्चरर्स, ठीक है, अपना आंसर आ गया स्टूडेंट्स एंड लैक्चरर्स। Who are against the proposed changes to student tuition fees? कौन कौन अगेंस्ट से, एक तो स्टूडेंट्स एंड लैक्चरर्स, अपना आंसर की आ जाऊगा इतने स्टूडेंट्स एंड लैक्चरर्स, ठीक है जी। हुण सैकेंड क्वेश्चन, सैकेंड क्वेश्चन दे अपने लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो अपन की जरूरी चाहिए, एक नैशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स ये अपना की वर्ड है, हु विल सफर फाइनैंशियली, ठीक है, फ्यूचर की गल हो रही हो। हुण अपने फाइंड आउट करना है नैशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट, आपां स्किम करदे गए जिहड़े थोड़े मोस्टली ये आंसर होंदे आ नैक्सट नैक्सट होंदे आ, ठीक है। सो आपां हुण ये फस्ट पैराग्राफ रीड करते हैं, स्कैन करते जाने, आपां नूं किते भी नैशनल यूनियन नहीं दिख रहा। ओके, सैकेंड पैराग्राफ भी है नहीं, तो हुण आ जाओ आप थर्ड पैराग्राफ ते। थर्ड पैराग्राफ देखो की कह रहा है, आरोन पोर्टर प्रेजिडेंट ऑफ द नैशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो इत्थे की है, नेम आ गया, ठीक है, सो अपनी लोकेशन की है, इत्थों ही स्टार्ट हो रही है। सैड इफ अडॉप्टेड लॉर्ड ब्रॉनीज रिव्यू वुड हैंड यूनिवर्सिटीज अ ब्लैंक चैक एंड फोर्स द नैक्सट जनरेशन टू पिक अप फॉर द टैब फॉर devastating cuts to higher education। हुण गल की होगी,
ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ, ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੌਣ ਸਫਰ ਕਰੂਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਂਸਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਦਾ। ਫੋਰਸ ਕੀ, ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਫਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਫਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰ ਕਰੂਗੀ। ਡਿਵਾਸਟੇਟਿੰਗ ਕਟਸ ਟੂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਰ ਕਰੂਗੀ। ਥਰਡ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਹਾਇਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਗੇਨ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਫੀਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹਾਇਰ ਡੈਟਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਹਾਇਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੇਨ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਫੀਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹਾਇਰ ਫੀਸ ਵੁੱਡ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ, ਹਾਇਰ ਡੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਇਰ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਇਰ ਡੈਟਸ। ਡੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਇਰ ਡੈਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਜੂ, ਉਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਟ ਮੇ ਬਿਕਮ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਫੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰੱਖੂਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਪੁੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੋਸਟ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਅੰਬੀਸ਼ਨ। ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਾਹਤੇ ਬੇਸ ਕਰੂਗਾ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੋਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੋਸਟ 'ਤੇ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਟ ਮੇ ਬਿਕਮ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਫੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਲੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇਜ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਡਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ 3 ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਹਾਓ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਿਸ਼ੂ ਆਫ ਮੈਰੀਨ ਮੈਮਲਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਵਿਦ ਫੈਟ। ਥਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਨ ਐਨੀਮਲਸ ਨੀਡ ਅ ਥਿੱਕ ਲੇਅਰ ਆਫ ਫੈਟ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਥਿੱਕ ਲੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, 3 ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਸਦੇ ਨੇ, 4 ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ।
ਇਸ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਰਡਸ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ